पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर के निर्देश के अनुसार अपर पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा अपने निकट सर्वेक्षण में सीओ सिटी के निर्देशन में कार्रवाई कराते हुए प्रभारी निरीक्षक थाना सदर बाजार एवं क्राइम इंटेलिजेंस टीम ने बड़ी सफलता प्राप्त की है। बीती रात में थाना सदर बाजार पुलिस एवं क्राइम इंटेलिजेंस टीम अपराधियों की तलाश में मामूर थी। इस दौरान पुलिस टीम को मुखबिर की सूचना मिली कि ऑफिसर्स कॉलोनी में चोरी करने वाले व्यक्ति निगोही रोड पर पंचपीर तिराहे के पास खड़े हैं और वहां से भागने की तलाश में है। सूचना मिलते ही पुलिस की संयुक्त टीम निगोही रोड पर पंचपीर तिराहे पर पहुंचकर पुलिस ने घेराबंदी कर एवं आवश्यक बल का प्रयोग कर चार व्यक्तियों धर्मेंद्र निवासी सैनिक कॉलोनी, नीरज निवासी सैनिक कॉलोनी, बबलू निवासी सैनिक कॉलोनी, ध्रुव कुमार निवासी शांतिपुरम कॉलोनी थाना सदर बाजार को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक व्यक्ति परमजीत निवासी ग्राम भैस्टा थाना पुवाया अंधेरे का फायदा उठाते हुए भागने में कामयाब रहा। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से एक पिस्टल, लाइसेंसी एवं 5 कारतूस जिंदा, 26,000 नगद, 2 चाकू, 1 जोड़ी पायल, 1 जोड़ी कंगन चांदी के सिक्के, 1 लैपटॉप, 1 LED, 2 गैस सिलेंडर तथा 1 बड़ा बैटरा बरामद हुआ। अभियुक्तों को गिरफ्तार करने वाली टीम में सदर बाजार तथा क्राइम इंटेलिजेंस की टीम संयुक्त रूप से रही। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एस चन्नप्पा ने पुलिस टीम की हौसला अफजाई कराते हुए पुलिस टीम की हौसला अफजाई करते हुए 48 घंटे के अंदर हुई चोरी के खुलासे की बधाई दी। दिनांक 7/8 की रात को बंद मकान में चोरी हुई थी, तो उस चोरी में एक लाइसेंसी पिस्टल चोरी हुआ था, साथ ही में एक LCD और कुछ नगद चोरी हुए थे। ये तो एक चैलेंजिंग घटना था क्योंकि एक लाइसेंसी पिस्टल चोरी हुआ था। तो इस संबंध में हमारा जो सदर थाना पुलिस की टीम और हमारे जो जो हमारे SOG टीम है, ये मिलके जॉइंट ऑपरेशन करते हुए विदिन बहुत ही चंद घंटों में चोरों का गैंग को पकड़ के पर्दाफाश किया है। इसमें जो लाइसेंसी रिवॉल्वर है वो बरामद हुआ है, साथ ही साथ जो LCD और कुछ नगद और जो इसके साथ इन जब अन्य जो चोरी इन्होंने जो इनसे पूछताछ में दो घटना अन्य चोरी का बताया गया है, उसमें भी एक लैपटॉप और 2 सिलेंडर, 1 बैटरी चोरी करना इन्होंने बताया है, वो भी सामान बरामद हुआ है। तो कुल 3 घटनाओं का पर्दाफाश किया गया है। इसमें कुछ नगद, कुछ सोने चांदी के सिक्का और बाकी अन्य सामान बरामद हुआ है।